नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे कलाकार से जो तबला और पखावज दोनों में ही माहिर हैं और इनके वादन की शैली अन्य कलाकारों से थोड़ी अलग है। तो आइए बातचीत करते हैं सुभाषीष सब्यसाची जी से। सुभाषीष जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली तबला और पखावज बजाने की, कहाँ से शुरुआत की आपने? सबसे पहले मैं बचपन की बातें करूँगा जी। सबसे पहले मैं बोलूँगा मेरा पिताजी, उनका बहुत बड़ा योगदान। उसके अलावा मेरा दादाजी थे जिनको मैंने नहीं पाया, वो हमारा फैमिली में, हमारा परिवार में संगीत को लेके आए। उन्होंने पंकज मल्लिक जी से भी सीखे एवं बाद में पापा जी का तालीम शुरू हुआ। पापा जी गुरु सोमनाथ भट्टाचार्य के पास शिक्षा शुरू किए थे जी। पापा जी जॉब करते थे, उसी टाइम भी एक साथ साथ संगीत की चर्चा करते थे, खासतौर पे शास्त्रीय संगीत। और इसके अलावा एक इंस्पिरेशन मेरा गुरुजी, जितने गुरुओं को सान्निध्य अब तक, आज तक जितने गुरुओं के पास मैं तालीम ले चुका हूँ और लेते अभी भी चल रहा है मेरा तालीम, तो उन सभी को नमन करूँगा। और सबसे पहले ये बोलूँगा जो मेरा पिताजी जो शुरुआत कराए थे, तब मैं 4 साल मेरा उम्र था, एक झूलन पूर्णिमा का दिन मेरे लिए उन्होंने तबला खरीद के लेके आए थे, वही शुरुआत याद है। उसके बाद मैं रामाकृष्ण मिशन का छात्र हूँ और रामाकृष्ण मिशन में पढ़ने की जो सौभाग्य मुझे मिला, उस टाइम तबला के अतिरिक्त मैं पाखवाज में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और पापा जी को जैसे जैसे बोला तो उन्होंने वही काम किया और मेरा पाखवाज की जो गुरु है उनसे मिला है जी। ऐसे करके इसी तरह से आपको प्रेरणा मिली। सुभाषीष जी, आप तबला आपकी स्पेशलिटी है कि पखावज? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा जो तबला से शुरुआत हुआ था जी और बाद में पखावज आए, दोनों बद्दे जुड़ गए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मुझे अभी याद आ रहा है जी। तो मैं जिस गुरु के पास तबला सीखता था उन्होंने पखावज सीखने बिल्कुल मना कर दिए थे, क्योंकि पखावज एक अलग ढंग की वाद्य है। आप देख रहे हैं ये बैरल ड्रम जी और ये थपिया का बाज है और ये चाट की वाद्य है जी। उन्होंने बोला जो ये तबला सीखने से हाथ तुम्हारा ओजन बढ़ जाएगा, तो पखावज कम कर दो, पखावज मत बजाया करो। तो मुझे पखावज भी अच्छा लगता था। उस टाइम मैंने मेरा पिताजी से इजाज़त लिया और मैंने तब पिताजी को पूछा था, ऐसे गुरुजी बोले, तो पिताजी मुझे तब बोला नहीं तुम ये ऐसा करो, पखावज अगर सीखना है तो तुम दूसरे हाथ से करो जी जी। तब मैं तो किस तरह से आप तबला और पखावज दोनों एक साथ बजाते हमारे दर्शकों को जरा बजा के आप दिखाइए। मैं सबसे पहले पखावज मतलब राइट हैंड में पखावज सीखा था तो जी, जी। जैसे मेरा गुरुजी ने माना किया तो मैंने लेफ्ट हैंड चर्चा शुरू किया था, तो मैं दिखाता हूँ कैसे अंदर। Thank you.
खूब सुभाषीष जी। मैंने जो आदि तालम बोलते हैं थोड़ा कर्नाटक स्टाइल और हिंदुस्तानी में जो हम 16 मात्रा बजते दोनों मिला के मैं बजाया। इसके अलावा मैंने जो मैंने राइट हैंड में भी हमारा दर्शकों के लिए सुनाना चाहता हूँ, मैं दोनों अभ्यास किया। ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बैम्बू से भी बनाया है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक मेरा प्रयास था शुरू से, इसमें भी एक गुरु का योगदान रहा, उनका नाम है कलकत्ता में बहुत फेमस कलाकार थे एक टाइम, एसडी बर्मन साहब के साथ उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी काम किया, ब्रोजेन विश्वास। उन्होंने एक बैम्बू स्टिक दे के एक इंस्ट्रूमेंट बजाया था जिसका नाम एसडी बर्मन साहब ने दिया ब्रोजो तरंग। तो गुरुजी वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी भी क्लासिकल रागा अपने बजा सकते हैं जी, तो वो इंस्ट्रूमेंट गुरुजी मुझे देखे गए थे और उस टाइम मेरा दिमाग में बैम्बू लेके बहुत इंटरेस्ट रहा था, कॉलेज टाइम था मेरा जी जी। तो उसी मौके पे मुझे और भी कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ईजाद करने की एक ख्वाब तो पहले से ही था। उस मौके में जो बोलते हैं ना जो चिराग गुरुजी ने जो जला दिया, तो वो देख के मुझे और इंटरेस्ट रहा और मैं सोचा ऐसे तो हो सकते हैं, अगर गुरुजी ने इसमें रागा बजा सकते हैं बैम्बू के इंस्ट्रूमेंट में मैं तो मेरा तबला पखवाज जो साज है ये भी बात से क्यों नहीं होगा जी। तो मैंने कोशिश किया, शुरू में बहुत दिक्कत था, तो इसके बाद मैं धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका डिज़ाइन किया और उसको एक अलग ढंग से मैं देखा, उसका आवाज़ भी थोड़ा फर्क है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कंपेयर करें जी, तो जी, थोड़ा अलग है और तो ऐसे करके मैं बैम्बू का कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे बांस से तबला बनाया, बांस से वायलिन बनाया, गिटार बनाया जी। तो ये एक बैम्बू ग्रुप भी है मेरा, तो उसका मैं उसको लेके भी काम करता हूँ। कौन सा ग्रुप है आपका? बैम्बू सिंफोनी एक ग्रुप है जी, इसका अतिरिक्त डिवाइन ड्रम करके हमारा एक ग्रुप है जी, जिसमें हम पाखवाज सरोद और फ्लूट लेके सब ट्रेडिशनल जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं जी। सुभाषीष जी, संगीत के साथ साथ आपकी साहित्य में भी रुचि है, तो साहित्य को किस तरह से आपने तालबद्ध किया है, कुछ हमारे एक दो नमूना हमारे दर्शकों को? साहित्य तो मैं लिटरेचर लेके पढ़ा, मैं रविंद्र साहित्य के ऊपर पढ़ाई किया और संगीत से तो पढ़ाई, मैं संगीत का ही स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट रहना चाहता हूँ जी जी। तो जैसे कि कुछ कुछ कविताएं, जैसे हम सोचते जो आम जनता के लिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कई बार इन लोग को समझ में नहीं आता है, तो एक चिंतन के इसमें हमारा गुरुजी लोगों का भी योगदान है। तो हम सोचते थे जैसे कि एक कंपोजिशन, जैसे धागे तकेटे धाते के धेते टेकता गद्दी घेने नागे तेरे के तेरे के धाते के धेते टेकता गद्दी घेने धागे तकेटे धाते के धेते टेकता गद्दी घेने नागे तेरे के धा। तो हमारा हम जब सीखते थे तो सामने एक मैडम थे, वो स्कूल जाते थे जी, शुरुआत वहीं से ही हुआ था। तो उनका जो चहलकदमी, जैसे चलते तो जैसे कवि बोलते हैं जो लड़कियों का जो चाल है जो गजगामिनी की तरह, तो उन्होंने जो जाते हैं तो उसके ऊपर ही कंपोजिशन मैंने उसको भी आपने तालबद्ध किया। हाँ, जैसे धागे तकेटे, उन्होंने स्कूल जा रहे थे, सडनली एक दिन मैं बहुत गहरे से देख रहा हूँ तो उनका जो
चाल था धागे तकते धाते के धेते ते काता गा दी घेने नागे तेरे के बीच में कोई साइकिल लेके आए तो उसका वो चलना थोड़ा गति उसका बदल गया तो तेरे के धाते के धेते ते काता गद्दी घेने सामने बस खड़ा है जल्दी भी है स्कूल में जाता धागे तकते धाते के नागे तेरे के धा तो तीन गति लेके तो धागे तकते धाते के धेते ते काता गा दी घेने नागे तेरे तेरे के धाते के धेते ते काता गद्दी घेने धागे तकते धाते के नागे तेरे के धा जी बहुत बढ़िया सुभाषीष जी। ऐसे कई कविता बोल कविता के ऊपर मैं सोच रहा हूँ चिंतन करता हूँ जी। और एक जो ट्रेडिशनल पाखवाज की वो तो हम सीखे हैं उसको भी मैं थोड़ा बजाना चाहता हूँ। जैसे हम स्तुति बजाते हैं पाखवाज में जैसे धाकिते धाकिते धाधाकिते दीना 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 दिगत ताकिते गंगा धर नील कंठ विश्वनाथ ताकिते दिकिते धीम 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 धम हर हर महादेव शिव शंकर त्रिविध तात्रिक त्रिविध शिव शंकर त्रिविध तात्रिक त्रिविध शिव शंकर त्रिविध तात्रिक त्रिविध इस तरीके का तो स्तुति ट्रेडिशनल है। और मैं शिव जी की शहर में बैठा हूँ तो मुझे ऐसे ही सारे लिए मुझे इच्छा हुआ जहाँ संगीत कण कण में विराजमान है। बिल्कुल जी। सुभाषीष जी अभी आपने हमारे दर्शकों को पखावज बजा के सुनाया। तबले पे क्या नई कंपोजिशन आपने की है, क्या कुछ नयापन है तबले पर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तबले में तो तबला हम तबले के तबले मैं शुरू में बोला जो तबले से ही मेरा शिक्षा शुरू हुआ जी, था प्रारंभिक शिक्षा तो अभी तक भी चल रहा है। जैसे जैसे चलता हूँ उस राह पे अच्छा गुरु जितना मिले ऊपर वाले की कृपा से गुरुजनों की दुआ से तो उसी माध्यम से मैं अभी लखनऊ घराने में तबला की तालीम पंडित स्वपन चौधरी जिसे प्राप्त कर रहा हूँ। तो और इसके अतिरिक्त मैं शुरुआत में मैं थोड़ा फारुकाबाद घराना भी सीखा जी। तो उसके थोड़ा मैं बजा के आपको प्रस्तुत करता हूँ। जी टाइम भी हमारे पास कम है जी जी छोटा छोटा। और एक अभी दिमाग में आया जैसे बनारस में आया हूँ वही जैसे शिव जी के ऊपर स्तुति तो एक छोटा सा एक दो मिनट का जैसे आरती होता है गंगा जी का जी। तो उसका थोड़ा अंदाज तबले पे जैसे
उसमें जो मृदंग और तबला जो भी बोले बोलिए वो बजते हैं, उसके साथ जो साज जो घंटियाँ घंट घड़ियाल जो बजते हैं जी, तो उसका थोड़ा अंदाज जी, एक कल्पना जी जी। सुभाषीष जी, आपने किन किन कलाकारों के साथ अभी तक संगत की है? मेरा बहुत सौभाग्य हुआ, मैं बहुत गुणी कलाकारों का सान्निध्य में आया, उनके साथ तबला संगत की। उससे सबसे पहली बार मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब 2004 में मैं आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाभ की प्राप्त किया था, उसके बाद मुझे सबसे पहले मौका मिला पंडित कमल मल्लिक जी, जो आज नहीं है, जो सत्यजीत राय के साथ काफ़ी काम किया उनके फिल्म में, और उसके साथ साथ मैं कलकत्ता से दिल्ली जब रहना शुरू किया था तो उस्ताद वासिफुद्दीन डागर जी का सान्निध्य मिला, उनके साथ भी बजाया, और पंडित निर्माल्लो दे जी, इसके अतिरिक्त मैं मधुर भट्ट विदुषी मधुर भट्ट तलंग जी और पंडित बीज नारायण जी से भी मैं जुड़ा हूँ, और काफ़ी कलाकार और भी गुणी कलाकार, जैसे फिलहाल अभी मैं पंडित बरुण पाल के साथ भी बजाया जो किया पंडित रविशंकर। सुभाषी जी, यहाँ हमें कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मेरा जो ये संगीत की यात्रा है इसमें ये भी मैं भाग्यशाली रहा, क्योंकि मुझे कुछ मौका मिले थे और मैं उस मौका को फ़ायदा उठा के मैं थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ। तो उसमें अगर कोई मेरा जो सोलो सीडी जो पाखवाज बद्दो मैं पाखवाज और तबला का जो वादन अभी अभी किया जी, उसके ऊपर मैं मेरा एक सीडी में मैं काम किया, उसका नाम है मास्टर स्ट्रोक जी। और दूसरे जो बैम्बू के ऊपर आपने जो जी, पूछा जी, मुझे जी, जी। उसका ऊपर मैंने मेरा गुरुजी जो पंडित ब्रजेन विश्वास जी जो आज नहीं है उसको याद करते हुए उसका ट्रिब्यूट में मैं बैम्बू सिम्फोनी जो बैम्बू इंस्ट्रूमेंट लेके काम किया उसमें मेरा जो दौल है सबको लेके मैं काम किया जी, जी। और मैं उनको शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया जो कंपनी और जो लोगों ने मुझे मौका दिया जी। तो इसके माध्यम से मैं सबके पास ये हमारा जो काम और भी बढ़ाने की कोशिश करते जाऊंगा जी। सब्यसाची जी, आपने बताया कि आपका नाम लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है, तो पखावज में या तबला में किस एक्चुअली पाखवाज तबला दोनों साज आप मोस्टली आप जितना देखते हैं जो तबला बजाते हैं या तो पाखवाज, लेकिन मैं शुरू में ही दोनों एक साथ किए जी। ऐसे मेरा भी आई एम बीइंग वेरी फॉर्चुनेट माई सेल्फ, क्योंकि मेरा फादर और मेरा गुरु लोग मुझे कोई चीज़ छोड़ने नहीं दिया। और पाखवाज में मैं ये ध्रुपद मेला में 2011 में दो हाथ में दो ताल बजाया, ध्रुपद मेला कमिटी में मुझे उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे मौका दिए थे जी। और उस मौके पे मैं 2011 में दोनों हाथ में पखवाज बजाया था, मुझे जहाँ तक याद है एक हाथ में मैं राइट हैंड में चौताल बजाया था, लेफ्ट हैंड में धमाड़ बजाया था जी। तो उस टाइम मुझे और एक गुनी काफ़ी गुनी जो मिले थे, तो आपको पता होगा क्योंकि बनारस में वो आज नहीं है पंडित श्रीकांत मिश्र जी मेरे पास आए और मेरे काफ़ी तारीफ किए, तो वो यादगार रहा वो साहब, बोले ऐसे कैसे बात सकता है
और उन्होंने मेरा सीडी भी लिया उस टाइम। तो मैं इसके दौरान मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2011 में मेरा नाम दर्ज हुआ था। जी जी सुभाषीष जी, कोई नई कंपोजिशन आपके ख्याल में है अभी, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को एक सुना के दीजिए। मुझे प्रीति एक चीज़ याद आ रहा है, जो हम लोग जो साधना करते 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 कुछ चीज़ हमारा चिंतन मनन में आता है, वो एक कंपोजिशन जी एक रूप दे देते हैं। तो मेरा भी हाथ में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ आया, तो मैं गुरुजी से भी चर्चा करता हूँ। तो एक कंपोजिशन मेरा मुझे दिमाग में आया, तो उसका मैं बोल बोलूँगा दर्शकों के लिए। तो घेना तेटे घेना तेन धागे ना घेना तेन धागे ना घेना दिगी ने घेना घेना तेन केना तेटे केना तेन ताके ना केना तेन धागे ना घेना दिगी ने घेना घेना तेन। ये है कंपोजिशन कायदा के रूप में, मैं थोड़ा बजाऊँगा। जी खूब सुभाषीष जी, आपने बहुत अच्छे से तालबद्ध हमें सुनाया, तबले पे संगत किया आपने, और आप अपना कीमती समय निकालकर हमसे इतनी अच्छी बातचीत की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।